मनीष एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेंचर कंपनी में ऑफ कैंपस हायरिंग की। तो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इन फ्यूचर ऑफ कैंपस जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाए आपको उनके जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज ये एक्सेंचर की ऑफ कैंपस हायरिंग इलिटमस के थ्रू हो रही है जो कि एक रिक्रूटिंग वेबसाइट है। तो आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो आप इलिटमस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एंड जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जो कि एसेंचर की इस हायरिंग का पेज है। एंड एसेंचर में ये हायरिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट लेवल 12 की प्रोफाइल के लिए है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 13 नवंबर है। ड्राइव की जो डेट है वो डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट है एंड ड्राइव लोकेशंस ये है। तो गाइज अगर हम एसेंचर कंपनी के बारे में बात करें तो एसेंचर कंपनी एक लीडिंग ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है जो कि डिफरेंट फील्ड्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है लाइक सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस। इन सारे फील्ड्स में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नाउ जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस ऑफ कैंपस हायरिंग का। तो गाइज इसमें बी.टेक ऑल स्ट्रीम्स एंड एमसीए स्टूडेंट्स जो कि पास आउट होंगे 2018 एंड 19 में वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जो परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है तो जिनकी 65 या 6.5 CGPA या उससे ज़्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें कोई भी बैकलॉग एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे। एंड जो मैक्सिमम गैप ईयर है वो आपका एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो एप्लीकेंट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड भूटान एंड नेपाल नेशंस कैन वर्क इन इंडिया। सो नेपाल भूटान एंड इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन तो कई इस हायरिंग में आपको डेवलपमेंट डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए हायर किया जाएगा। उसके बाद ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये दो पार्ट में कंप्लीट होगा। नंबर वन जो फेज है वो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का होगा एंड सेकंड उसके बाद ग्रुप इंटरव्यू होगा। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट दो फेज में कंप्लीट होगा जिसके अंदर की 90 क्वेश्चंस होंगे एंड जो आपको 90 मिनट्स में सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड जो कॉग्निटिव असेसमेंट्स है वो 60 क्वेश्चंस होंगे उसमें जो कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रिटन कम्युनिकेशन बेस्ड होंगे। उसके बाद जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड शेड्यूल कोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो गाइस अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको फिल करना है आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आपने कहीं भी अभी वर्क नहीं किया है ना फ्रेशर्स है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जॉब ऑफर आपके पास करंटली है या नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स एंट्री करनी है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशंस कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस है या नहीं है तो अगर है तो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। उसके बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम स्कोर्स तो अभी मेरे जैसे कोई अदर स्कोर्स नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको सोशल प्रोफाइल्स लाइक लिंक्डइन फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है आपकी वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सेकंड फेज आ जाता है आपकी डिटेल्स फिल करने का। तो आपको यहाँ पर अपनी फर्दर डिटेल्स फिल करनी है लाइक जॉब लोकेशंस की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है तो आप यहाँ पर अपनी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या है थर्ड प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है जो कि गवर्नमेंट आईडी में हो। उसके बाद लास्ट नेम आपको एंटर करना है आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग है या नहीं है तो वो आपको करना है। उसके बाद ड्राइव लोकेशन क्या है आपकी क्या प्रिफेयर करना चाहेंगे तो वो आपको ड्राइव लोकेशन डालनी है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी है अपनी एंड देन उसके बाद आपको करेंटली कॉन्टैक्ट नंबर एंड करेंट सिटी ये इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है। तो गाइज उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एसेंचर की ऑफ कैंपस हायरिंग की। तो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन।